अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के। एक नए व्लॉग के साथ एक दफ़ा फिर यार पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं ना और जिनके रिलेटिव्स यहाँ पे रहते हैं, उनको लगता है कि जब वो आएंगे तो उनके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाएंगे, ठीक है ना। तो जो लोग सऊदीया में रहते हैं उनके लिए खासी मुश्किलात होती हैं कि यार पाकिस्तान में इतना बड़ा टब्बर है माशाल्लाह से, तो किस तरह से फुलफ़िल करें उनकी रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए यहाँ पर एक दुकान है जिसका नाम है बाशवात, ठीक है ना। वहाँ पे लग्जरी आपके पास ये है कि आपको 5 रियाल और 10 रियाल से ज़्यादा की कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो जितना भी आप सामान लेना चाहें ले सकते हैं, 5 या 10 रियाल, इससे ज़्यादा का कोई सामान नहीं है। तो आज मैं वहाँ पर आया हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें जो है वो आपको 5 से 10 रियाल में मिल सकती हैं। आपको याद होगा बचपन में जो है वो एक ठेले वाला आता था, हर माल 2 रुपये वाला, उसकी रिफाइंड शक्ल है बेसिकली अल बाशवात। यहाँ पर जो है वो आपको 5 से 10 रियाल की हर चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आओ दिखाता हूँ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सामान जो है वो कोई 2 नंबर है या यूज्ड हुआ हुआ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये है कि बल्क में सामान आता है, तो इस वजह से जो है वो इतना सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। आप देखें यहाँ पे चीज़ों की जो है वो लाइन लगी हुई है, हर आइटम मिलेगा आपको यहाँ पे। अभी तो सिर्फ मैंने आपको बेबी आइटम्स दिखाए हैं। यार डिस्पोजेबल जितने भी आइटम्स होते हैं ना वो यहीं से लेने चाहिए। उसका रीज़न ये है कि वो सारी चीज़ें एक दफ़ा यूज़ होकर फेंक दी जाती हैं। तो जितनी भी डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, अगर आप पिकनिक वगैरह पे जा रहे हैं या फिर आपको प्लेट्स और कप्स वगैरह चाहिए, इसके अलावा जितने भी डिटर्जेंट वगैरह हैं, मतलब और ये जो फ्लोर क्लिनिंग वगैरह होते हैं, ग्लास क्लिनिंग वगैरह होते हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, टिशू पेपर्स वगैरह, सब आपको जो है वो 5 से 10 रियाल की रेंज में मिल जाती हैं यहाँ पर। और उनका मकसद क्या होता है, एक दफ़ा यूज़ होता है उसके बाद ख़त्म हो जाता है, उनका कोई यूज़ नहीं होता। तो बेहतर यही है कि यहीं से लिया जाए, प्लस एल्युमिनियम फॉइल यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है, तो वो तो यहाँ पे बेतहाशा ऑफ़र में पड़ी रहती है। ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा सेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जितने भी मास्क हैं, मॉइस्चराइज़र्स हैं, क्रीम्स हैं, XYZ पता नहीं क्या कुछ, अला बला मास्क वास्क, काले मास्क, गोरे मास्क, गंदुमी मास्क, हर चीज़ के मास्क, टोपी मास्क, पता नहीं क्या क्या है यार यहाँ पर। इसके अलावा भी ब्यूटी सेक्शन ख़वातीन का अलग से बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूँ। कोई टुच्चे मास्क नहीं है, गार्नियर वार्नियर के मास्क हैं।
अच्छा, सबसे मज़े की बात ये है कि जितने भी हाजी आते हैं ना उमरा करने, हज करने के लिए, उनकी भी सबसे फेवरेट जगह यही होती है जब उनको बताया जाता है कि हर चीज़ जो है वो 5 से 10 रियाल में आपको मिल जाएगी, तो वो सबसे पहले उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो है वो यहाँ पर आ जाए। मेरे पीछे आपको सारे डिटर्जेंट्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे, इसके अलावा ये टिशू पेपर वगैरह ये सब है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा जो है वो लेडीज़ मेकअप सेक्शन है, और इतना फेमस है ये कि इनको पूरा जो है वो एक अलग सेक्शन बनाना पड़ा है। यहाँ पे भी चीज़ें वही हैं, 5-10 इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये मेरा पर्सनली फेवरेट सेक्शन है क्योंकि यहाँ पे सारे टूल्स वूल्स मिल जाते हैं, सारे टूल्स भी 5 से 10 रियाल के अंदर अंदर, हर चीज़, हर तरह के टूल्स, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर, पाने, यू जस्ट नेम इट। लाइफ में आपका जितना चमचों से फाला पड़ा है ना, उससे ज़्यादा किस्म के चमचे जो है वो आपको यहाँ नज़र आएंगे। यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी आओ थोड़े से दिन के बाद भी, तो कोई ना कोई नई चीज़, कोई ना कोई नया शोपीस आपको लाजमी नज़र आ रहा होता है, तो यू कांट रेजिस्ट, आपको बाय करना ही पड़ता है। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही हैं सारे शोपीसेज हैं, और ये दोनों रोज़ में सिर्फ शोपीसेज हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पता नहीं होता कि आपकी बकेट में क्या क्या शामिल है। कहने को 5 और 10 रियाल की चीज़ें, लेकिन जब आप यहाँ से जाते हैं तो 400-500 का बिल आसानी से बन जाता है। यू हैव टू कंट्रोल योर पॉकेट एंड योर डिज़ायर्स। वैसे आप अगर सऊदीया में रहते हैं और जद्दा में रहते हैं, तो और अगर आपका बादशाह जाना हुआ है तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपका कितने का बिल बना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप वैसे ही उम्रे या हज पे आए थे और आपका बादशाह आना हुआ था, तो लाजमी मुझे बताइएगा कि आपने यहाँ पर कितने की शॉपिंग की थी, ठीक है, कमेंट्स में लिख के बताइए। अच्छा जी, हमारी बाशवात यात्रा ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, ना भी पसंद आया हो तो नीचे लिख के बता दीजिएगा, पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना पसंद आया हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटा ज़रूर बजा दीजिएगा, और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ शामिर, चल हाफिज़।